अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा कोई सब्सटेंस है या कोई सप्लीमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे, जैसे कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड करता है, वो भी बिना किसी स्टेरॉयड साइड इफेक्ट के या फिर एंड्रोजन इफेक्ट के। हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो से, तो बने रहे आखिर तक। जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसे इंसेक्ट हार्मोन या उसे उसका साइंटिफिक नाम ecdysteroids हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ecdysteroids क्या होते हैं, डू दे एक्चुअली बिल्ड मसल लाइक स्टेरॉयड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, आर दे बैंड इन स्पोर्ट, और हम उन्हें किस फूड से और कितना अमाउंट हम उनका ले कि एनाबॉलिक इफेक्ट हमारे बॉडी में मिले। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि इसे इंसेक्ट हार्मोन क्यों कहते हैं। इसे इंसेक्ट हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ecdysteroids प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट्स में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर इवेंट्स को रेगुलेट करने के लिए। जैसे इंसेक्ट्स एक्डिजोन प्रोसेस होता है इंसेक्ट्स में, मोल्टिंग और मेटामोरफोसिस प्रोसेस होता है, उस समय इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए एक्डिसन या फिर ecdysteroid 20-hydroxyecdysone के रूप में काम आता है। और तो 20-hydroxyecdysone या ecdysteroids कुछ प्लांट्स में भी नेचुरली रहता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की जो साइंटिस्ट ने किए थे कुछ एथलीट्स के ऊपर, और हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से एक बॉडी बिल्डर या फिर किसी आम इंसान को कितना यूज़ करना चाहिए कि उसके बॉडी में उसे एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स दिखे। फर्स्ट हम इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ecdysteroids यानी कि ecdysone 1954 में आइसोलेट किया गया था। फिर इसका केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया 1967 में। ये तब नज़र में आया जब देखा गया कि ecdysteroids का केमिकल फॉर्मूला काफ़ी सिमिलर है ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन से या फिर स्टेरॉयड से भी। फिर इसे ट्रेडिशनल मेडिसिंस में भी यूज़ किया जाने लगा कुछ कमर्शियल मेडिकल कंपनीज के द्वारा। फिर रशिया और जर्मनी को चाहिए था कि उनके एथलीट्स में बूस्ट मिले, उनके एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो एनहांस हो, तो उन्होंने अपने एथलीट्स पे इसका यूज़ किया तो उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और कुछ स्टडीज़ का तो ये मानना है कि ecdysteroids आर मोर इफेक्टिव देन स्टेरॉयड्स। मैं आपको बता दूं कि ecdysteroids आर नॉट सेम लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, इनका अपना पाथवे है काम करने का, और ना ही एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स की तरह इनके कोई एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स यानी कि स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही ये ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन को कम करता है जो वो नेचुरली प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ एंड्रोजेनिसिटी। देयर सेफ्टी प्रोफाइल आर मच ग्रेटर देन एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स। और ecdysteroids कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर को भी कम करता है, और साथ ही ये हमारे लीवर और इंटेस्टाइन्स के लिए भी हेल्दी है बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस रेट, और ये हमारे ब्रेन के न्यूरल टिश्यूज को भी प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट ecdysteroids आर नॉट बैंड लाइक एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स। जो रिसेंटली स्टडी हुई थी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जुलाई 2019 में पाया गया 12 mg और 48 mg पर डे 10 वीक्स के लिए जिन एथलीट्स को डोजेस दी गई उनमें 3-4 LBS का लीन मसल मास गेन हुआ, और उनकी बेंच प्रेसेस में 20 LBS की बढ़ोतरी हुई। अब हम बात करते हैं ecdysteroids यानी कि इंसेक्ट हार्मोन्स नेचुरली कैसे अवेलेबल है और इसे किस तरह से ले ताकि हमारी बॉडी में एनाबॉलिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो। वैसे सबसे ज़्यादा ecdysteroids कंटेंट पाया जाता है स्पिनाच में यानी कि पालक में, और एक और फूड है किनवा। अगर आप 50 ग्राम किनवा सीड्स डेली खाएं तो आपको 15 mg तक ecdysteroids ले सकते हैं नेचुरली, और 450 ग्राम ऑफ स्पिनच में रफली 45 mg तक ecdysteroids पाया जाता है, और उसी तरह 50 ग्राम ऑफ किनवा में 18.2 mg तक ecdysteroids रहता है।
और 4 ग्राम ऑफ सुमा रूट कंटेन्स 26.4 mg ऑफ ecdysteroid और साथ ही 8 ग्राम ऑफ अजुगा कंटेन्स 40 mg ऑफ टर्केस्ट्रोन, यानी कि ये भी एक तरह का ecdysteroid ही है। अब बात आती है कि इनकी डोजेज किस तरह से ले ताकि बॉडी में स्टेरॉयड इफेक्ट मिले। वैसे अभी तक कोई एग्जैक्ट डोजेस फिगर आउट नहीं हुई है, बट इन मोस्ट स्टडीज़ में देखा गया कि डोजेस ऑफ 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से एनाबॉलिक इफेक्ट देखने को मिले। यानी कि अगर कोई 100 kg का बॉडी बिल्डर है तो उसे 500 mg पर डे की डोजेस लेनी होगी एनाबॉलिक इफेक्ट के लिए। जुलाई 2019 की स्टडी में 12 mg और 48 mg पर डे फॉर 10 वीक्स एथलीट्स गेंस 3 to 4 lb ऑफ मसल मास, मतलब 50 ग्राम ऑफ किनवा और 100 ग्राम ऑफ स्पिनाच यानी कि पालक पर डे कैन गिव अराउंड 48 mg ऑफ ecdysteroid, दैट इज इनफ टू गेट एन एनाबॉलिक इफेक्ट इन आवर बॉडी। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल भी है, बट आपको यहाँ ट्रेनिंग भी इंटेंस करनी होगी ताकि आपकी मसल ब्रेक डाउन हो और ecdysterone आपकी मसल्स को प्रोटीन सिंथेसिस से रिपेयर करे। बट आपको यहाँ हाई प्रोटीन डाइट भी रखनी है, मतलब पोपाई द सेलर वॉज राइट, ईट मोर स्पिनाच मसल विल ग्रो। अब बात करते हैं कि मसल ग्रोथ के लिए ये कैसे काम करता है। जो ecdysteroid होता है, जो ecdysteroids इंक्रीज मसल मास बाय इन्हेंसिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीजिंग प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म जो प्रोटीन आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है, मतलब ये हेल्प करता है कि आपकी बॉडी, आपका स्टमक प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा पचा सके। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सेल हैं, दे जनरेट न्यू प्रोटीन टू रिपेयर मसल डैमेज कॉज्ड बाय इंटेंस वर्कआउट। तो ये हमारे बॉडी में से अंदर से नेचुरली जो हमारे बायोलॉजिकल सेल है वो जनरेट करता है न्यू प्रोटीन्स को हमारे मसल्स को रिपेयर करने के लिए, दैट्स इट। ये उस तरह से काम करता है। वैसे और भी ecdysteroids के फायदे हैं, जैसे लीवर में ecdysteroid स्टिमुलेट बाइल सिक्रेशन एंड ecdysteroids इम्प्रूव लीवर रीजनरेशन आफ्टर केमिकली इंड्यूस्ड डैमेज। यानी कि हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी लीवर में काफ़ी केमिकल डैमेज हो जाती है, उन केमिकल्स की वजह से काफ़ी डैमेज हो जाती है, तो ये हमारे लीवर की रीजनरेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। और ecdysteroids हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, कंटेनिंग लिपोसम्स इम्प्रूव स्किन क्वालिटी बाय एक्सेलेटिंग द हीलिंग वूंड्स और बर्न्स, और ये हमारी किडनीज में भी किसी तरह का डैमेज नहीं करते। हाँ, ecdysteroids 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से कैन रिस्टोर नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर हम बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, यानी कि ecdysteroids सच में मसल बिल्ड करते हैं, जैसे हमने बात की ecdysteroids के एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के जैसे ही इफेक्ट्स हैं, वो भी विदाउट एनी एंड्रोजेनिक इफेक्ट के, यानी कि जो स्टेरॉयड्स के साइड इफेक्ट रहते हैं जैसे बाल झड़ना, टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरल हम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उसका कम हो जाना, बिना किसी एंड्रोजेनिक इफेक्ट के एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड की तरह मसल बिल्ड करना। तो हमने इसमें देखा कि जो रिसेंटली स्टडीज़ हुई जिसमें 12 से 48 mg पर kg के हिसाब से एथलीट्स को ecdysteroid दिया गया, उनमें बाकी एथलीट से 3 गुना ज़्यादा मसल बिल्ड हुई। उन्होंने हालांकि 12 से 48 mg लिया था, अगर मानो कोई 70 kg का इंसान है, 70 kg का बॉडी बिल्डर है, उसे चाहिए दिन का 350 mg पर kg के हिसाब से ecdysteroids, ठीक है। तो इस केस में तो वो काफ़ी अच्छा उसे रिज़ल्ट मिलेगा अगर ये स्टडी सच में सच है तो, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरनेट पे देखा, तो जहाँ तक मैंने देखा तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स मुझे ecdysteroid के लिए पॉजिटिव मिले। और हालांकि और सबसे बड़ी बात है कि ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स के होते हैं, और साथ ही ये आपको अवेलेबल नेचुरली अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कुछ फूड्स बताए, जैसे स्पिनाच हो गया, अगर आपको स्पिनाच से
अगर आप 70 kg है, आपको 350 mg ecdysteroids चाहिए, तो आपको कम से कम 4 किलो स्पिनच लेने होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए। चलो आप ले भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कहीं पे या कहीं पढ़ा नहीं है कि स्पिनच खाने से कोई इंसान बीमार हुआ हो। अब स्पिनच हो गया, किनवा हो गया, इस तरह के जो फूड्स हैं उनसे आप ले सकते हैं ecdysteroids, वो भी नेचुरली, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। हमने स्टडीज़ में यही देखा, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसमें यही पाया कि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो मुझे थोड़ा डाउट है, बट हो सकता है कि ये मसल बिल्ड करता हो। और बात करें, ये बैन है स्पोर्ट्स में, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड बैन है। तो काफ़ी स्टडीज़ हुई, काफ़ी साइंटिस्ट ने ecdysteroids के ऊपर स्टडी की, तो काफ़ियों ने कहा कि इसे बैन कर देना चाहिए, पर ये बैन नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो उसके है नहीं, तो इसलिए इसे बैन होना चाहिए। तो ये सेफ है यूज़ करने के लिए, तो आप पालक खा सकते हो, बट ये अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है। तो इसका मुझे नहीं पता है क्यों इतना पॉपुलर नहीं है, हो सकता है कुछ और कारण भी हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताइए अगर आपके पास भी कुछ नॉलेज है ecdysteroid के बारे में, या कुछ आपने पहले यूज़ किया हुआ ecdysteroid, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके इफ़ेक्ट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअल में इट वर्क्स। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मैं वीरेंद्र दत्त साइनिंग आउट।